प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने की दिशा में बीएसएनएल ने कदम उठाया है। भारत फाइबर घर घर के टैग लाइन के साथ मंडी, जोगिंदर नगर और चोतड़ा में भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की गई है। इस सेवा से मंडी शहर के हर घर को चरणबद्ध ढंग से जोड़ा जाएगा। बीएसएनएल के महाप्रबंधक डीएन कात्याना ने बताया कि इस सेवा से उपभोक्ताओं को हाई स्पीड डेटा उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल सरकारी उपकरण होने की वजह से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए कटिबद्ध है। यही वजह है कि बर्फबारी के दौरान जहां अन्य टेलीकॉम कंपनियां हाथ खड़े कर देती है, मगर बीएसएनएल अपनी सेवाएं जारी रखता है। भारत फाइबर सेवा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस सुविधा के तहत उपभोक्ता को अल्ट्रा ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ, उच्च क्वालिटी हाई डेफिनेशन सामग्री और भविष्य में आने वाली 3D टीवी, VOLP तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि की सेवाओं का लाभ आकर्षक दरों पर मिलेगा। इस सेवा के तहत उपभोक्ताओं को 100 Mbps तक की स्पीड दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत फाइबर के तहत विभाग ने शुरुआती दौर पर 2 मासिक असीमित प्लान शुरू किए हैं, जिसमें प्लान 770 50 Mbps की स्पीड से 18 GB डेटा प्रतिदिन उपभोक्ता को मिलेगा, जबकि प्लान 1277 में 100 Mbps स्पीड से 25 GB डेटा प्रतिदिन मिलेगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को 24 घंटे किसी भी नेटवर्क पर असीमित मुफ्त लोकल और STD वॉइस कॉल की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि मंडी और कुल्लू जिला के 36 स्थानों में 4G सेवा शुरू की गई है, साथ ही इसकी शुरुआती दौर में ग्रामीण क्षेत्र भी जोड़े जा रहे हैं। वहीं मंडी जिला के लोहाखर, करसोग के सैरी बेंगलुरु, द्रंग के ज्वालपुर, जोगिंदरनगर के पंडोल व टिक्कर, गुम्मा, द्रंग, ब्रोखड़ी, दिनक तथा खडल्यान में 4G सेवाएं शुरू की जाएंगी, जबकि मंडी शहर में शीघ्र ही 4G सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मंडी जिला के लोहाकर और डिनिक में 4G टावर स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने भारत फाइबर सेवा की लॉन्चिंग भी की। भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना है डिजिटल क्रांति का। इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए बीएसएनएल मंडी ने हर घर को फाइबर से कनेक्ट करने का फैसला लिया है। इसकी टेस्टिंग भी हो गई है और आज शुभ दिन है कि जिस दिन हम मंडी शहर में और जोगिंदर नगर और चौतड़ा, तीन शहर जो हमारे मंडी के हैं, उनमें भारत फाइबर अर्थात हर घर में फाइबर पहुंचाने का उद्घाटन हुआ है। और ये सुविधा अप टू 100 Mbps स्पीड हर घर को देने के लिए है। और जैसा आपको विदित है, आज के जमाने में 4K चैनल्स आ रहे हैं जो कि डिश टीवी के थ्रू नहीं आ पाते हैं, किंतु इस 100 Mbps के फाइबर टू होम वाले नेटवर्क के थ्रू, भारत फाइबर के थ्रू, हर उपभोक्ता इवन 4K के भी चैनल्स अपने YouTube और डिफरेंट चैनल्स पे देख सकता है, साथ ही साथ 3D चैनल्स भी देख सकता है और डाउनलोड अपलोड अनलिमिटेड कर सकता है। हमारे बहुत से अच्छे उपभोक्ताओं के हिसाब से प्लान भी लाए गए हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि 777 रुपए में यह निर्णय लिया गया है कि 500 GB डेटा अर्थात करीब करीब 18 GB पर डे के हिसाब से डेटा 50 Mbps तक दिया जाएगा। इसी के साथ अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को मैं ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि बीएसएनएल ने 4G सर्विसेज मंडी और कुल्लू दोनों जगह पे लॉन्च कर दिया है। करीब करीब 36 जगह पर हमने टावर्स लगा दिए हैं 4G के, जो सुचारू रूप से चल रहे हैं और 40 Mbps तक की स्पीड मिल रही है। ये सिम्स 4G के अब हमारे कस्टमर सर्विस सेंटर्स और रिटेलर्स के पास अवेलेबल हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी उपभोक्ताओं को कि वो 4G सर्विसेज का भी बीएसएनएल के फायदा उठाएं और अपने कार्यों को डिजिटल क्रांति के द्वारा आगे बढ़ाएं।